नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार आपके फिर अपने चैनल पर नंबर लर्निंग में। हाजिर हैं हम कल की क्विज़ के सॉल्यूशंस लेके और आज की क्विज़ और कल के टॉप परफॉर्मर के नाम लेके। तो आइए शुरू करते हैं कल की क्विज़ के सॉल्यूशंस। कल का जो हमारा पहला प्रश्न था वो ये था, एक शिक्षक पत्र प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जाँच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उपदेशों की परीक्षा ले रहा है या नहीं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की किसके विषय में चिंतित हैं। ऑप्शंस थे, वैधता, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विश्वसनीयता। अगर इस तरह का कोई टीचर है जो प्रश्न पत्र बनाने के बाद वो जांच कर रहा है कि क्या उसके उपदेश पूरे कर रहा है कि नहीं, तो वो देख रहा है कितना प्रश्न पत्र विश्वसनीय है। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम कल की क्विज का, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। भाषा कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम में नहीं। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषा कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम में नहीं। एक दूसरे से स्वतंत्र तो होते नहीं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन बच रहा है वो बच रहा है एक क्रम में और एक साथ सीखे जाते हैं। एक क्रम में नहीं सीखे जाते क्योंकि एक साथ सीखते हैं, आप लिखना भी सीखते हो, बोलना भी सीखते हो, पढ़ना भी सीखते हो, तो एक क्रम में नहीं, एक साथ सीखे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम में नहीं। अब बढ़ते हैं हम कल के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सुपरफिशली। ऑप्शन से ग्रेजुअली, लीगली, प्राइमली, थॉरोली। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा थॉरोली। ठीक है, जो इसका अपोजिट मीनिंग है सुपरफिशली का वो हो जाएगा थॉरोली। अब देखते हैं कल का क्विज का फोर्थ क्वेश्चन कौन सा था, कि खेजड़ी वृक्ष के विषय में सही कथनों को चुनिए। ऑप्शंस थे, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। ये बिल्कुल सही है, इसमें अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। जब रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है तो अधिक जल की आवश्यकता नहीं होगी। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह भी बिल्कुल सही है। यह एक तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो ये सही नहीं है। तो ऑप्शन हमारे हो जाएंगे ए, बी और सी। तो हमारा जो कल का फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो जाएगा पहला ए, बी, सी। आखिरी क्वेश्चन जो था ये देखिए, छः क्रमिक सम संख्याओं का औसत 21 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये पूछा है। देखिए यहाँ पर जो पूछा गया था, छः क्रमिक मतलब लगातार सम संख्याओं का औसत दिया था, तो इसको बहुत बच्चों ने गलत किया है। तो इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब क्रमिक संख्याओं की बात करते हैं तो हमने माना पहला x, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस टू, क्यों, क्योंकि सम बोला है। ऐसी x प्लस फोर, x प्लस सिक्स, 8 और 10, और उसका एवरेज 21 है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी 6x+30=126। तो 6x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो जाएगी 96। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 16। और सबसे बड़ी वैल्यू पूछी थी तो देखिए क्या आएगा लास्ट में, x+10 तो जाएगा 26। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जब भी कभी आ जाए सिक्स क्रमिक सम या फिर विषम संख्याओं का, तो हमेशा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट मतलब बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या पूछिए। तो बड़ी संख्या के लिए क्या करना है, हमने जो एवरेज दे रखा है मतलब औसत दे रखा है उसको लेना है, प्लस जितनी संख्या है, कितनी संख्या थी सिक्स, उसमें से एक माइनस कर देना है और उसको ऐड कर देना है लार्जेस्ट के लिए मतलब बड़ी के लिए, तो मतलब 5, तो आ जाएगा 26। और अगर स्मॉलेस्ट निकालनी है तो 21-5, तो ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 26। ठीक, अब देखते हैं, हमने हमारे कल के जो टॉप परफॉर्मर रहे हैं वो लगातार वही रहे हैं जो पहले से होते आ रहे हैं, प्रिया अरोड़ा जी और निबोर जी। तो इनको हमारी टीम से बहुत बहुत बधाई। अब देखते हैं आज की क्विज़ के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, आज की क्विज़ शुरू करते हैं। देखते हैं हम आज की क्विज़ का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन सा, याद रखना, गतिक करना, विचार करना, सहानुभूति देना।
तो जो भी ऑप्शन सही लग रहा है इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, एक लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप सबमिट कर सकते हैं। उस लिंक को आप गूगल क्रोम से खोलिएगा, अन ब्राउजर से आपको दिक्कत हो सकती है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उपव्यवस्था में कौन सा समास है? ऑप्शंस आर अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो जो भी आंसर आपको सही लग रहा है उसमें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके सबमिट कर सकते हैं। आज के क्विज का तीसरा क्वेश्चन है, पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम विच मीन्स वेरी हेल्पफुल और पॉजिटिव। हमें एक वर्ड बताना है जिसका मतलब ये है कि हेल्पफुल या फिर पॉजिटिव है। ऑप्टिमिस्टिक, फॉसिलाइज्ड, क्लूज और पॉसिबल। जो भी आपको इसमें से सही लग रहा है आप उसे जाकर सबमिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखते हैं आज के क्विज का फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है। इसमें लिखा है, 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल है। तो आपको सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल निकालना है। तो जो भी ऑप्शंस आपका आ रहा हो, ऑप्शंस है 7460, 7660, 7650, 7560। जो भी आंसर आपका आ रहा है आप उसको जाके सबमिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखते हैं आज की क्विज का आखिरी प्रश्न क्या है। नीचे पौधों के विषय में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से सही है? ऑप्शंस, कुछ सब्जियां फल होती है, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं होते हैं, घास पौधा नहीं है। तो जो भी आपको सही लग रहा है ये कुछ बच्चों के विचार हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से सही है उसको आप जाके सबमिट कर सकते हैं, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको एक क्विज़ करने में मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को और भी बोलिएगा इस क्विज़ को करने के लिए, जिससे आपको एक हेल्दी कंपटीशन मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के क्विज और नए नए प्रोग्राम्स लेकर हम आपके पास हाजिर होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।